तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर इंटरनेट कनेक्शन को कैसे ब्लॉक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम में इंटरनेट प्रॉपरली चलेगा बट उस सॉफ्टवेयर पे इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर बहुत से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, जैसे देखिए 4K वीडियो डाउनलोडर, जूम, ग्रामरली। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 4K वीडियो डाउनलोडर पर इंटरनेट कनेक्शन को ब्लॉक करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से किसी वीडियो का URL को कॉपी कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा वीडियो है, इसके URL को कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद दोस्तों 4K वीडियो डाउनलोडर ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर पेस्ट लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट करने से पहले तो दिखा दे, यहाँ पर ये नेट का स्पीड दे रहा है और ये टाइमिंग शो कर रहा है, तो इसे हम पोस्ट करते हैं और 4K वीडियो डाउनलोडर को मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमें जाना है नेटवर्क पर। यहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक करना है, जाना है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में। जी हाँ, यहाँ पर हमें फायरवॉल मिलेगा, हमें जाना है, देखिए विंडो फायरवॉल मिल गया, यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, एडवांस सेटिंग पर जाना है। एडवांस सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर एक नया पैनल खुल के आ गया। इसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं पहले। देखिए ये हमारा एडवांस फायरवॉल सेटिंग है। यहाँ पर देखिए दो बाउंड मिलेगा, एक इनबाउंड रूल, एक आउटबाउंड रूल। दोस्तों यहाँ पर एक न्यू रूल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग ब्लॉक करने वाले हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे किसी भी प्रोग्राम को, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से ऑप्शन ब्राउज का खुल के आएगा। ब्राउज पर क्लिक करेंगे, इस मैसेज को इग्नोर करते हैं और पार्टिकुलर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए प्रोग्राम एंड फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 4K वीडियो डाउनलोडर को सर्च करना है। देखिए ये हमारा 4K डाउनलोडर के नाम पर है, इसे ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो पार्टिकुलर उस एप्लीकेशन को फाइंड करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ब्लॉक द कनेक्शन पर क्लिक करने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये सभी तरह के नेटवर्क, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, सब पे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर उस ब्लॉक का कोई नेम दे देते हैं, उस रूल का। जैसे देखिए यहाँ पर 4K रख दिए और फिनिश कर दिए। तो ये हमारा आउटबाउंडिंग रूल बन गया। अब इसी तरह से इनबाउंडिंग रूल बनाना है दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे और न्यू रूल पे जाएंगे। सेम प्रोसेस उसी तरह से नेक्स्ट, ब्राउज और उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक द कनेक्शन को टिक कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों हमें इन दोनों रूल्स को लागू करने के लिए फायरवॉल इनेबल रहना चाहिए। डिजेबल होने पर ये रूल्स नहीं काम करेंगे। देखिए हम इसका भी कोई नेम रखते हैं और फिनिश कर लेते हैं। देखिए ये हमारा इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल बन गया। अब क्या करेंगे, टेस्ट करके देखते हैं क्या हमारा उस एप्लीकेशन पर इंटरनेट प्रॉपर ब्राउज हो रहा है या नहीं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे रिज्यूम करके देखते हैं। ये देखिए एरर डाउनलोड फेल्ड करके आ गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी न्यू लिंक को कॉपी करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिंक है, इसको वीडियो का कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और वहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं। देखिए ये एरर यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को इंटरनेट कनेक्शन से वंचित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उस एप्लीकेशन पर इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि और भी इसी तरह के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।